आप एक बच्ची को देख रहे हैं जिसके गोद में एक बच्ची है। इस बच्ची के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये शादीशुदा महिला है और इसके गोद में एक माह की बच्ची है। आज इसके पति का देहांत हो गया, इसके पति की मौत हो गई है इसके सामने में, इसके आंखों के सामने में। गोद में कौन है? ये हमारा बच्चा है। आपकी बच्ची है? हाँ। लड़का है कि लड़की? लड़की है। लड़की है। सवाल इस खबर का नहीं है और इस बच्ची का नहीं है, सवाल ये है कि आज भी हमारे देश में शिक्षा की कितनी कमी है, देख लीजिए, है ना? बच्ची आप ही की है? हाँ, हमारा बेटी है। आज क्या हुआ आपके साथ? हमारा कुछ नहीं हुआ है। अब ये बच्ची समाज में विधवा बन करके जिएगी, फिर इसका मान लीजिए दूसरा शादी करना पड़ेगा। वो तो है ये है सर, शराब के नशे में इनके आंख से आंसू तक नहीं आ रहा, जबकि इन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनकी बच्ची अब विधवा बनकर इनके आंखों के सामने रहेगी, है ना, फिर भी इन्हें कोई गम और चिंता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें शिक्षा की कमी है। अपने पति के साथ ससुराल जा रही एक बच्ची के सामने अचानक पति की मौत हो जाती है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिला के बिहारशरीफ सदर अस्पताल में मौजूद हैं और हमारे सामने में आप एक बच्ची को देख रहे हैं जिसके गोद में एक बच्ची है। इस बच्ची के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये शादीशुदा महिला है और इसके गोद में एक माह की बच्ची है। आज इसके पति का देहांत हो गया, इसके पति की मौत हो गई है इसके सामने में, इसके आंखों के सामने में। और ये अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी बस से और उसी बस पर अचानक तबीयत खराब हुआ और वहीं पर उनकी मौत हो गई और ये अपने पति की मौत अपने आंखों से देखी है। क्या नाम हुआ तुम्हारा बाबू? सरिता नाम है। सरिता? हाँ। पति का क्या नाम था? मनीष। मनीष, है ना। क्या घटना घटा बाबू, क्या आज हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ था? बस पर जा रहे थे तब ऐसा थी हो गया। कहाँ जा रही थी तुम? ससुराल जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया था, हमको अथी बस वाला उतार दिया। अच्छा, आप ससुराल जा रहे थे? हाँ। पति के साथ? हाँ। मनीष जो आपके पति थे? हाँ। ना, ये गोद में कौन है? ये हमारा बच्चा है। आपकी बच्ची है? हाँ। लड़का है कि लड़की? लड़की है। लड़की है। हाँ। ना, ये आप ही की बच्ची है? हाँ। और इसको साथ लेके जा रहे थे ससुराल? हाँ। कहाँ पे घटना घटा और कैसे घटना घटा? नालंदा थाना तर। नालंदा थाना के पास? हाँ। बस पे, बस से आप लोग जा रहे थे? हाँ, ससुराल जा रहे थे। कहाँ ससुराल है बाबू? बगोदर। बगोदर। हाँ। अच्छा, बगोदर में तुम्हारा ससुराल है। हाँ। वहीं अपने पति के साथ जा रही थी। हाँ। और बीच रास्ते में यानी पति का तबीयत खराब हुआ। हाँ। तबीयत खराब होने के बाद फिर क्या किया बस वाला लोग? उतार दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ बाबू? पानू ने थापे थे तो फिर उतार दिए हैं बस वाला फिर चल गया उतार के नहीं। अच्छा, तो फिर यानी आपके पति की मौत हो गई है ना? हाँ, मौत हो गई है। अच्छा, तुम्हारा शादी कितना साल पहले हुआ था? कितना साल पहले शादी हुआ था? पार है तो होवे के अगले साल शादी हुआ था। हाँ। और ये बच्चे कब जन्म लिए? इन साल इस साल पैदा हुआ बच्चा। कितना दिन पहले? एक माह पहले। तो मनीष आपके पति थे, है ना? हाँ, जी। तो अभी बिहार शरीफ सदर अस्पताल में आई है ना? हाँ। तो देख लीजिए, ये सरिता है और इसके आंखों के सामने में इसके पति की मौत हो गई। अपने पति के साथ अपने एक माह की बच्ची को लेकर ये ससुराल जा रही थी। सवाल इस खबर का नहीं है और इस बच्ची का नहीं है, सवाल ये है कि आज भी हमारे देश में शिक्षा की कितनी कमी है, देख लीजिए, है ना। बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये उनकी माँ है और ये उनके पिताजी हैं, है ना। कैसे ये लोग जिंदगी जी रहे हैं आज़ादी के 76 साल बीतने के बाद भी, ये आप खुद सोच सकते हैं। इस बच्ची के उम्र का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं और इनके गोद में एक माह की बच्ची भी है। अगले साल इनकी शादी हुई थी। क्या नाम हुआ आपका? हमका नाम है लीला। लीला, ये सरिता आपकी बेटी हुई? हाँ। क्या घटना घटा है? क्या घटना घटा है, वही बोला कि जाओ बेटी अपना ससुराल। कौन बोला? मैंने, हम बोला आप कि बोले? हाँ, पति के मियाद नहीं ठीक है तो जाओ लेकर के यहाँ, ऐसे बोलेगा तो कल की ले तो कल के। अच्छा, हम जाते हैं लेकर के, हम दिखाएंगे वहीं पर। तो मनीष आपके दामाद थे? हाँ।
वो आए थे ससुराल हमको पैसा नहीं कौड़ी तो कहाँ से दिखाएंगे। तो आज लेकर के आपकी बेटी को जा रहे थे? जा रहे थे। अपनी बेटी का शादी कब किए थे आप? पढ़ के कर रहे दशहरा पूजा आसिन में। आसिन में किए थे? हाँ। और इस आसिन में बच्चे भी इसके हुए, बच्चे हो गया। तो आज ये जा रहे थे और उसी दौरान तबीयत ज्यादा बिगड़ा, उसके बाद उसकी मौत हो गई है ना? हाँ, मौत हो गया। अच्छा, एक चीज हम पूछते हैं आपसे लीला जी, इस बच्ची का कितना उम्र हुआ है? इस बच्चे के 9 है सर। इस बच्चे के तो 19-20 पूरा होगा, 30 यानी 18 साल पार है। हाँ, तो इसको पढ़ाए लिखाए काहे नहीं, अभी कम उम्र में शादी क्यों कर दिए? कर दिया तो दिन समय खराब बीता है तो कर दिया। तो देख लीजिए अशिक्षा के कारण क्या हालात होती है, जो बच्ची पढ़ती वो बच्ची अब विधवा बनकर इस समाज में रहेगी। इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी बाल विवाह करने के लिए उतारू होते हैं, आज भी अपने बच्चियों को है ना इस दुष्प्रभावित समाज से बचाने के लिए कम उम्र में बच्ची की शादी कर देते हैं। अब खुद सोच लीजिए कि इस बच्ची के पति की मौत हो गई है, अब कैसे ये बच्ची अपनी ज़िंदगी काटेगी? सामने में उनके पिताजी हैं, है ना, थोड़ा सा लेते हैं, शराबी हैं, है ना, भले ही बिहार में शराबबंदी हो लेकिन आप खुद समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उमेश। उमेश मान जी, कहाँ घर है? हमारा तो बिजौनपुर। अच्छा, ये बच्ची आप ही की है? हाँ, हमारा बेटी है। आज क्या हुआ आपके साथ? हमारा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? हम तो गाड़ी चढ़ाने गया था, हमें तो गाड़ी चढ़ा करके आया था, चला जाओ बेटी चौरा बगैचे से गाड़ी चढ़ाया, दोनों के चढ़ाया था चौरा बगैचे से। अच्छा, चौरा बगैचे से गाड़ी चढ़ा के चलो तुम घर चले जाने का अपना। तो बेटी और दामाद आपके जा रहे थे? हाँ, जा रहा था। हालांकि चढ़ा करके आया की सुना कि फिर ऐसा कांड हो गया भाई लाल नंदा में, यानी आपके दामाद की मौत हो गई। हाँ, तबीयत ज्यादा खराब हो गया बीच रास्ते में। बस अच्छा, कुछ इतना कम उम्र में बच्ची लोगों का शादी क्यों कर देते हैं उमेश जी? देखिए सर, तो ना खर्चा नहीं ना हमारे पास में रहता है मालिक का है। अब ये बच्ची समाज में विधवा बन करके जिएगी, फिर इसका मान लीजिए दूसरा शादी करना पड़ेगा। वो तो है ही है सर। शराब बराब भी पीते हैं? नहीं। मुंह से तो एकदम पूरा आपका आ रहा है गंध। नहीं मालिक। हा? अच्छा, इसके ससुराल वाले अगर कहेंगे कि भाई आप उनके बेटे के मार दिए, तब क्या कहिएगा? मालिक तो हम नहीं, कोई नहीं मारा है। हा? जा रहा है अपना, हम तो खुद अपना गाड़ी चढ़ाए हैं, तो चौरा बगैचे से भाई, तो बेटी के दामाद के दोनों को चढ़ाए थे। और ऐसे बीच में घट गया, बीच में तो क्या करेंगे हम लोग, बीच में क्या होगा क्या हम देखे जाएंगे भाई। समझ सकते हैं आप है ना, यानी शराब के नशे में इनके आँख से आंसू तक नहीं आ रहा, जबकि इन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनकी बच्ची अब विधवा बनकर इनके आंखों के सामने रहेगी है ना, फिर भी इन्हें कोई गम और चिंता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें शिक्षा की कमी है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए, उस सभ्य समाज तक पहुँचाइए जो आज भी हमारे समाज में बाल विवाह करने पर उतारू हैं, जो आज भी अपने बच्चे को अपने बच्चियों को कम उम्र में शादी कर उनके माथे पर जिम्मेवारी दे देते हैं।